हम आपको ऐड सबटाइटल एनकैप्शन कैसे करते हैं बताएंगे। सबटाइटल एनकैप्शंस अलाउ यू टू शेयर योर वीडियो विद अ लार्ज ऑडियंस इंक्लूडिंग डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग व्यूअर्स एंड व्यूअर्स हु स्पीक अनदर लैंग्वेज। लर्न मोर अबाउट एडिटिंग और रिमूविंग एग्जिस्टिंग कैप्शन। उसको ऐड करना, एडिट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे जो मैनुअली बताएंगे। वैसे तो ट्रांसलेट वीडियो करने के लिए बहुत से तरीके हैं, तीन तरीके हैं, जिसमें मैनुअली आप ऐड कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी टूल सर्विस यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी टूल यूज़ करने के लिए आपके विड आई क्यू है, वीड है, और भी बहुत से टूल्स हैं, लेकिन वो लोग आपसे कुछ चार्ज करेंगे। और ट्रांसक्रिप्ट फाइल के लिए आपको यूट्यूब पे क्या फॉर्मेट है, CRT फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ता है, और अपलोड करने के लिए भी CSV फॉर्मेट या SVG फॉर्मेट यूज़ होता है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप किस फॉर्मेट में आप यूज़ करिए, या ऑटो ट्रांसलेट भी इसमें फैसिलिटी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑटो ट्रांसलेट में कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लैंग्वेज वो नहीं समझता है, तो जो ट्रांसलेट होता है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाता है। और मैन्युअली में क्या होगा, आप मैन्युअली टाइप करिएगा, और जो थर्ड पार्टी करेगा वो डिफरेंट ढंग से होगा। तो हम लोग आज मैनुअल वाला सीखेंगे, और ट्रांसक्रिप्ट फाइल बनाने के डिफरेंट फॉर्मेट हैं जो हमने आपको अभी बताया। ये देखिए, इस तरह से बनाना पड़ता है, और उसके लिए PC में इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि UTF-8 एनकोडर यूज़ करके नोटपैड पे हम फाइल को सेव करते हैं और उसको अपलोड करते हैं, तब वो फाइल ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है और हमारा सबटाइटल के काम आती है, सपोर्टेड सबटाइटल एंड क्लोज कैप्शन। तो बेसिक फाइल फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ये सारे बेसिक फॉर्मेट हैं, SRT, SVG, MPSV, ILC, LRC, CAP, किस चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है वो उसमें बताया। ओनली बेसिक वर्जन ऑफ दिस फाइल इज सपोर्टेड SRT इनटू द इज रिकग्नाइज्ड फॉर्मेट, और SVG ओनली बेसिक वर्जन दिस फाइल आर सपोर्टेड, नो स्टाइल इज रिकग्नाइज, द फाइल मस्ट बी इन प्लेन UTF-8। और ये एक फॉर्मेट और दिया है जिसमें वो आपकी फाइल को अपलोड करता है। ये देखिए, SRT फाइल दिया हुआ है जिसका ये फॉर्मेट है, और आपका SVG फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है। ये फाइल जो होती है आपकी अपलोड होती है, और एडवांस फाइल फॉर्मेट भी दिए हुए हैं इसमें, RT, VTT और बहुत सी। इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तब आप कर सकते हैं। TV पे भी हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जिसके लिए SCC, STL, TDS, CIN, ASCII फॉर्मेट, ये डिफरेंट फॉर्मेट डिफरेंट कंट्री के लिए यूज़ होता है, और उसको आपको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप सिंपल वाला, मैनुअल वाला यूज़ करिए, और या तो थर्ड पार्टी का सपोर्ट ले लीजिए, वो आपके चीज़ों को इजीली कर देगा, जैसे ट्यूब बडी आपका कर देता है। सपोर्टेड सबटाइटल क्लोज कैप्शंस फाइल। अब हम लोगों को SRT फाइल जो होती है वो नोट पैड में बन जाती है, और अपलोड करने वाली फाइल को भी हम अपलोड, उसको सही करके अपलोड फाइल बना करके उसको SVG फॉर्म में अपलोड करते हैं, सब व्यूअर फॉर्म में। तो ये सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं और डिटेल यूट्यूब पे दिया हुआ है, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। हम लोग सिंपल वाला पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सब टाइटल को हम ऐड करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। तो चलिए हैं यूट्यूब पे चलते हैं, और वहाँ से सीखते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे जाएंगे YouTube स्टूडियो पे, और वहाँ से सबटाइटल सेलेक्ट करेंगे। सबटाइटल सेलेक्ट करके फाइल सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको सबटाइटल लगाना है। तो हमने पहले से एक फाइल में सबटाइटल लगाया, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लगता है,
ये देखिए सब टाइटल सेलेक्टेड है, यहाँ पे ऐड आएगा जब फर्स्ट टाइम आप करिएगा, और यहाँ पे ऐड लैंग्वेज जब करिएगा तो वो लैंग्वेज पूछेगा, तो आप जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे एडिट में जाइए और अब देखिए यहाँ पर हमने ढेर सारे ट्रांसक्रिप्शन के लिए या सब टाइटल के लिए लाइन्स लिख रखी हैं और उसका टाइम स्टैम्प लगा रखा है। जब इन टाइम स्टैम्प पे लगाएंगे तो वो चीज़ें वहीं पे दिखेंगी। अब जैसे यहाँ पे आप आइएगा तो ये देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, उसी टाइम स्टैम्प पे दिखेगा। इस तरह से पूरी स्क्रिप्ट हमने अपने वीडियो में ऐड कर ली, जिस तरह से आप लोग चैप्टर यूज़ करते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको सब टाइटल यूज़ करनी पड़ेगी। इसको आप बढ़ा के छोटा करके आप अपनी चीज़ों को ईजिली देख सकते हैं, और इसके शॉर्ट टूल भी हैं, ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिसको यूज़ करके आप एडिटिंग ईजिली कर सकते हैं। इसको आप स्टडी करिए और प्रैक्टिस करिए, तब आप जा करके सब टाइटल को एडिट कर पाइएगा। टाइपिंग के समय यहाँ से पॉज कर सकते हैं या यहाँ से पॉज कर सकते हैं, आपका पॉज हो जाएगा। यहाँ से सेटिंग आप कर सकते हैं कि कितना नॉर्मल और धीमे चले, तेज चले, कैसे चले, और आप यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं वन बाय वन इसको लिख के। आप यहाँ पर अपनी सबटाइटल गलत हो जाए तो डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको लास्ट में एक और जोड़ना है सबटाइटल, तो यहाँ पे प्लस साइन मिलेगा, यहाँ पर जा करके प्लस कर दीजिए और अपनी टाइटल को ऐड कर लीजिए। अभी हमें प्लस नहीं करना है तो हम अंडू कर देंगे और यहाँ जाकर इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा और एडिट हो जाएगा। अब जब हमारी सब टाइटल सब बन जाएगी तो हम यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करेंगे। सेव ड्राफ्ट करने से फाइल की सब टाइटल सेव हो जाएगी, तब हम उसको पब्लिश कर देंगे। जब वो पब्लिश हो जाएगी तो आपकी फाइल वहाँ पर रन करने पे दिखने लगेगा सब टाइटल। तो यहाँ पर आकर के हम फाइल को रन करके अपनी सब टाइटल को देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल व्यूअर, इफ़ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और सोशल लिंक को फॉलो करिए और कमेंट लिखिए, जो चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट में लिख कर पूछ लीजिए। थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टूडे एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई community tab. There are several questions and quizzes. You solve this. Thank you.